मल्टीटास्क वर्कर्स पर अब आना चाहेंगे, मल्टीटास्क वर्कर्स की ओर से, क्योंकि विधानसभा का घेराव आज किया गया है। हालांकि ये पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, इनका कहना है कि 8 घंटे तक अपनी सेवाएं ये लोक निर्माण विभाग में दे रहे हैं और इन्हें 150 रुपए ही दिहाड़ी के रूप में दिए जा रहे हैं, जिस वजह से घर परिवार चलाना इन्हें बेहद मुश्किल हो गया है। 150 रुपए में इनका आधा किराया ही खर्च हो जाता है, तो घर परिवार के लिए कुछ नहीं बच पाता, इसलिए पॉलिसी इनके लिए भी बनाई जाए और उच्च वेतन इनके लिए भी निर्धारित किया जाए। अभी देखिए 2 से 3 वर्ग ऐसे हैं जो रेगुलर पॉलिसी की मांग उठा रहे हैं, वो तो पूरी हुई नहीं, अब मल्टीटास्क वर्कर्स भी सामने आ गए हैं कि इन्हें भी रेगुलर पॉलिसी चाहिए। इस मांग के साथ आज ये विधानसभा के बाहर पहुंचे थे। देखिए शिक्षक भर्ती पर ऐलान किया गया है और ये 2 नए ऐलान हैं आज, एक ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है, दूसरा शिक्षा मंत्री ने किया है। 2 सवाल लगाए गए थे विधानसभा में, दोनों सवालों के अलग अलग जवाब सामने आए हैं। पहला सवाल तो ये था कि टीजीटी भर्ती कमीशन के माध्यम से कब होगी, तो इस पर मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि लगभग 6500 के करीब पद शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे सभी वर्गों के शिक्षकों के। इसमें आधी भर्तियां बैचवाइज आधार पर होंगी, आधी कमीशन वाइज होंगी, और अभी क्योंकि बहुत सारे पद रिक्त चल रहे हैं तो जल्दी उन्हें भरा जा सके, इसके लिए एक नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी। अब ये फिर से नई भर्ती पॉलिसी लाने की बात हुई है, इससे पहले गेस्ट टीचर भर्ती लाई गई थी लेकिन उस पर रोक लगा दी गई है, तो क्या उसे ही कंटिन्यू करने की यहां पर बात हो रही है या फिर कोई नई नीति यहां पर फिर से लाई जाएगी, इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन नई पॉलिसी के तहत ही अब खाली पदों को फिर से जल्दी भरा जाएगा, क्योंकि कमीशन और बैचवाइज के जरिए काफी ज्यादा समय लग जाता है, बच्चों को ज्यादा दिनों तक पढ़ाई से वंचित नहीं रखा जा सकता, इसलिए यह डिसीजन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक तो यह ऐलान कर दिया है नई भर्ती पॉलिसी को लेकर, और इस पर कुछ एक शिक्षाविदों से भी चर्चा की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। दूसरा जो सवाल किया गया था वो कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन की ओर से किया गया था, इसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से जवाब ये दिया गया है कि उनकी सरकार ने 400 प्रिंसिपल प्रमोट किए हैं और स्कूल लेक्चरर भी प्रमोशन के जरिए 401 नियुक्त हुए हैं, अब कमीशन के जरिए 585 पद भरे जा रहे हैं तो इससे रिक्तियां दूर हो जाएंगी। अभी कितने पद खाली चल रहे हैं, प्रमोशन के जरिए कितने भरे गए हैं, ये दरअसल इसमें सवाल उठाया गया था। और शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि किसी अन्य पॉलिसी के बजाय रेगुलर से ही टीचर भर्ती होंगे। अब मुख्यमंत्री ने यह तो कह दिया कि नई भर्ती पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा मंत्री ने यह भी दूसरे सवाल के जवाब में कहा है कि रेगुलर पॉलिसी ही लाई जाएगी, यानी कि अस्थायी तौर पर अब भर्ती नहीं होगी। तो ऐसी पॉलिसी जो कि अस्थायी तौर पर लाई जाए उसके बजाय एक रेगुलर माध्यम से ही टीचर्स की भर्ती होने वाली है, तो अब इस पर क्लैरिटी देखिए नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक और भर्ती पॉलिसी लाने की बात हो रही है, तो क्या भर्ती पॉलिसी ऐसी होगी जिससे स्थायी भर्तियां हो पाएंगी, सवाल तो ये उठता है। और स्थायी भर्तियां तो कमीशन या बैचवाइज माध्यम से ही होती है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने दूसरी ओर जब ये चीज कह दी कि किसी अन्य पॉलिसी के बजाय रेगुलर माध्यम से ही यहाँ भर्तियां होंगी, तो फिर दरअसल इस भर्ती पॉलिसी को लेकर कुछ एक सवाल उठ जाते हैं। अगले कल हमारा बिल्कुल ये मकसद रहेगा कि इस बारे में हम ये क्लैरिटी ले सके शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से कि आखिरकार ये मुख्यमंत्री कौन सी भर्ती पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं। पोस्ट कोड 817 पर करना चाहेंगे, क्योंकि आज ये भी सवाल लगाया गया था, राकेश चंवाल ने ये सवाल पूछा था कि आखिरकार कब तक रिजल्ट घोषित होगा, सुप्रीम कोर्ट से भी इस पोस्ट कोड पर तो ऑर्डर आ चुके हैं, तो सरकार इतना ज्यादा समय क्यों ले रही है। जवाब इसमें यही दिया गया है सरकार की ओर से कि फिलहाल कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और जब डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री लौटेंगे तो पहली बैठक इसकी होगी। हालांकि 3 महीने कैबिनेट सब कमेटी को दिए गए हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कैबिनेट सब कमेटी 3 महीने के दौरान कई बैठ के करेंगी, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिरकार कब और कैसे इस पूरे मामले में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कानूनी पहलू भी देखे जाएंगे, कानूनी राय भी दरअसल इसमें ली जाएगी, क्योंकि पेपर लीक होने का मामला भी इसमें सामने आया है, FIR भी दर्ज है, तो इसलिए 3 महीने लगेंगे, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी। तो मतलब आप समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव से पहले JOIT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित नहीं होने वाला है। और सबसे ज्यादा इसी पोस्ट कोड के अभ्यर्थी चिंतित है, सड़कों पर उतर गए हैं, इनकी ओर से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी इनके साथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या पोस्ट कोड 817 की ही है, क्योंकि अभ्यर्थी इसमें बहुत ज्यादा है, पोस्टें इसमें सबसे ज्यादा थी। और स्थिति अभी देखिए क्या है, जो जवाब सामने से आया है उसमें केवल इतना कह दिया गया है कि कैबिनेट सब कमेटी की ओर से 3 महीने में रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट को देखते हुए कैबिनेट इसमें फैसला लेगी, यानी कि जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर ही अपनी सिफारिशें कमेटी भी कैबिनेट में रखेगी और फिर डिसीजन होगा इनका रिजल्ट घोषित करने पे।